हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज आप सबके लिए बड़ी खुशी का दिन है, क्योंकि फ्रेंड्स D++B के द्वारा एक बहुत ही बड़ी अपडेट आज जारी की गई है, जिसका बेसब्री से लाखों कैंडिडेट्स को इंतजार था। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो आपके लिए वो खुशी का पल आ चुका है, क्योंकि D++B ने आज वो रिक्रूटमेंट का नोटिस जारी कर दिया है, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्ड्स न्यू में वैकेंसी एडवर्टीजमेंट नंबर 07/22। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की जो 2022 की रिक्रूटमेंट आनी थी, जो आपका एडवर्टीजमेंट जारी किया जाना था, फाइनली आज उसे रिलीज कर दिया गया। आप देख सकते हैं वैकेंसीज एडवर्टीजमेंट नंबर 07/22। तो इसको हम आइए डिटेल में चेक कर लेते हैं। आपकी टीचिंग रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग और भी कई डिपार्टमेंट की काफी अच्छी वैकेंसीज आपको देखने को यहाँ मिल रही हैं। और इसी जुलाई में आप लोगों की जो भर्ती की प्रोसेस है, एप्लीकेशन सबमिशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो सारी डिटेल्स को फ्रेंड्स, क्या एज लिमिट का आपका क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिएगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट की कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं, कौन कौन यहाँ अप्लाई कर सकता है, तो ये सारी चीजें हम एक एक करके जानेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल अभी की लेटेस्ट अपडेट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 20 जुलाई 2022, जस्ट अभी अभी इस वैकेंसी के नोटिस को जारी किया गया है, और आज दिन भर में जो भी अपडेट D++B के द्वारा जारी की गई है, साथ ही साथ हम आप लोगों को हर अपडेट प्रोवाइड करा चुके हैं। ओनली ऑनलाइन मोड से आपकी एप्लीकेशन यहां पर एक्सेप्ट की जाएंगी, और किसी मोड से आप यहां एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते हैं, वो रिजेक्शन में आपकी चली जाएंगी ऑटोमेटिकली। जो ये वैकेंसीज आपकी स्टार्ट होंगी, इनके एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर पाएंगे। ओपनिंग डेट है इनकी एप्लीकेशन की 28 जुलाई 2022 से आप लोगों के एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, और क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशंस की 27 अगस्त 2022। तो एक महीने का वक्त यानी 30 डेज के करीब आपको ये समय दिया जाता है यहाँ पर इन एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए। D++B के द्वारा रिक्रूटमेंट का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया फ्रेंड्स। सरकारी भर्ती है आप लोगों की ये, ठीक है। अगर आप लोग एलिजिबल है तो यहाँ जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा, और आप लोगों का क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, क्या कुछ क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, ये सारी चीजें हम डिटेल में चेक करेंगे। पहले वैकेंसीज आप लोग देख लीजिएगा, कौन कौन सी पोस्ट है यहाँ पर, कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पर आपके पोस्ट कोड दिए गए हैं, ये नेम ऑफ द पोस्ट आपका मेंशन किया गया है इस कॉलम में, आप देख पाएंगे। डिपार्टमेंट के नेम आपके यहाँ इस कॉलम में दिए गए हैं, और आपकी पोस्ट कोड का ग्रुप क्या रहेगा इस कॉलम में आपका बताया गया है फ्रेंड्स। ग्रेड पे आपका क्या रहेगा यहाँ इस कॉलम में बताया गया है, और वैकेंसीज की कैटेगरीज, कौन कौन सी कैटेगरी की कितनी कितनी वैकेंसीज है, ये यहाँ पर आप देख पाएंगे, और टोटल वैकेंसीज कितनी है इस कॉलम में आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा, पोस्ट कोड है 13/22, मैनेजर अकाउंट ये आपकी पोस्ट है, और डिपार्टमेंट का नेम है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, DTC की वैकेंसीज हैं, ग्रुप बी की पोस्ट है, एंड 4848 का ग्रेड पे है, और यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं जनरल की 2 वैकेंसीज हैं, टोटल 2 ही वैकेंसीज हैं यहाँ पर, और किसी कैटेगरी में कोई वैकेंसीज अवेलेबल नहीं है। और नेक्स्ट देखिए सेकेंड नंबर पर 14/22, डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स, ये भी DTC की वैकेंसीज हैं, ग्रुप बी की हैं, 4600 का ग्रेड पे है, EWS की यहाँ 1 वैकेंसीज है, जनरल की 9 है, OBC की 5 है, SC की 2 है, ST की 1 है, और टोटल यहाँ पर 18 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि PWD की भी 3 वैकेंसीज इंक्लूड हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पर आपकी 15/22, जूनियर लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये आप लोगों का डिपार्टमेंट है, ग्रुप सी की पोस्ट है ये, और 2000 का ये ग्रेड पे है यहाँ पर, जनरल की इसमें 5 वैकेंसीज हैं, OBC की 1 है, SC की 1 है, और टोटल 7 वैकेंसीज हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिए 4 नंबर पर है यहाँ पर 16/22, असिस्टेंट स्टोर कीपर, हर डिपार्टमेंट से कुछ ना कुछ वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। डिपार्टमेंट है यहाँ पर ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, ग्रुप सी की पोस्ट है, 1900 का आपका ग्रेड पे है, और टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 वैकेंसीज हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें कि आप देख सकते हैं
एक 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 करके ये कैटेगरी वाइज यहाँ बता दी गई है। पीडब्ल्यूडी की भी है यहाँ पर, एक्स सर्विसमैन की भी है। और नेक्स्ट है फाइव नंबर पर 17/22 स्टोर अटेंडेंट। डिपार्टमेंट है ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, ग्रुप सी की पोस्ट है, 1900 का ग्रेड पे है। टोटल 6 वैकेंसीज है यहाँ पर, जिसमें जनरल की 5 है और ओबीसी की 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट देखिए 18/22 अकाउंटेंट की ये पोस्ट है, राज्य सैनिक बोर्ड, ये आपका डिपार्टमेंट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, 2400 का यहाँ ग्रेड पे है और ये टोटल 1 ही वैकेंसी है जो कि जनरल की है और इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए भी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं 19/22 टेलर मास्टर की, दिल्ली प्रिजंस की ये वैकेंसीज हैं। ठीक है, दिल्ली प्रिजंस ये आपका डिपार्टमेंट है, ग्रुप सी की पोस्ट है फ्रेंड्स, 1900 का ग्रेड पे है आपका, टोटल 1 ही पोस्ट है यहाँ पर, वो जनरल के लिए है। और नेक्स्ट है 20/22 पब्लिकेशन असिस्टेंट, डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी, ग्रुप सी की पोस्ट है, 2800 का ग्रेड पे है और ये भी टोटल 1 ही पोस्ट है जो कि जनरल की है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका 21/22, ये है आपका पोस्ट कोड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों की टीजीटी के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, आप देख सकते हैं 21/22 पोस्ट कोड है, DOE डिपार्टमेंट है यहाँ पर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ग्रुप बी की पोस्ट है, 4600 का आपका ग्रेड पे है। और वैकेंसीज देखिए यहाँ पर काफी अच्छी है फ्रेंड्स, ये 36 ये EWS कैटेगरी के लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए 131 हैं, ओबीसी के लिए 90 हैं और 75 हैं, एससी कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए 32 एंड पीडब्ल्यूडी के लिए है 16। तो टोटल यहाँ पर 364 वैकेंसीज हैं फ्रेंड्स, ये टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए, जो कि बड़ी खुशी की खबर है फ्रेंड्स। 21/22 इस पोस्ट कोड का बहुत बार कैंडिडेट हमसे पूछ चुके थे, बहुत क्वेरी जा रही थी कि मैम हमारी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन कब आएगा। और अगर आप लोगों को याद हो तो फ्रेंड्स, हमने आपको कहा था जुलाई एंड तक, जुलाई के लास्ट वीक तक आप लोगों को रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट आप लोगों के सामने है, जुलाई लास्ट वीक से पहले ही आप लोगों को नोटिफिकेशन यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कि बड़ी खुशी की बात है। तो आप लोग अब रेडी हो जाइए, जोरदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कीजिएगा, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को आप सबमिट कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी प्रकार से भी कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है फ्रेंड्स, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, एप्लीकेशन किस तरह से आप लोगों को सबमिट करना है वो प्रोसेस भी हम आपको स्टेप टू स्टेप करके बता देंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आप लोगों को फेस नहीं होगी, क्योंकि हमारा ये चैनल आप लोगों की हेल्प के लिए ही मौजूद है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर पीजीटी की भी यहाँ रिक्रूटमेंट आई हुई है, पीजीटी म्यूजिक मेल, पोस्ट कोड है 22/22, DOE की वैकेंसीज है, ग्रुप बी की पोस्ट है, 4800 का आपका ग्रेड पे है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी है फ्रेंड्स, ये टोटल में आप देख सकते हैं और ये जनरल के लिए ही है। फिर है नेक्स्ट आपका 23/22 पोस्ट कोड है, पीजीटी फाइन आर्ट्स पेंटिंग मेल, DOE डिपार्टमेंट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, 4800 का आपका ग्रेड पे स्केल है और यहाँ पर भी 1 वैकेंसी है। पीजीटी उर्दू मेल के लिए देख सकते हैं आप, ग्रुप बी की पोस्ट है, 4800 का ग्रेड पे है आपका और यहाँ 3 वैकेंसीज हैं। पीजीटी उर्दू फीमेल के लिए पोस्ट कोड फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर 25/22 है, DOE डिपार्टमेंट है आपका, ग्रुप बी की पोस्ट है, 4800 का पे स्केल है, 4800 आपका ग्रेड पे है और ये 3 वैकेंसीज हैं यहाँ पर भी, मेल और फीमेल दोनों की 3-3 वैकेंसीज हैं यहाँ पर पीजीटी उर्दू मेल एंड फीमेल के लिए। नेक्स्ट वैकेंसीज हैं आपकी 26/22 पीजीटी हॉर्टिकल्चर, DOE डिपार्टमेंट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, 4800 का आपका ग्रेड पे है, 2 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है 27/22 ये आपका पोस्ट कोड है, पीजीटी साइकोलॉजी मेल के लिए, ग्रुप बी की पोस्ट है, 4800 का आपका ग्रेड पे है, 1 वैकेंसीज है। नेक्स्ट वैकेंसी है फ्रेंड्स यहाँ पर 28/22 पीजीटी साइकोलॉजी फीमेल के लिए, ग्रुप बी की पोस्ट है, 4800 का आपका ग्रेड पे है, 1 ही वैकेंसी है ये भी। और 29/22 पीजीटी कंप्यूटर साइंस मेल के लिए, ग्रुप बी की पोस्ट है, 4800 का स्केल है, 7 वैकेंसी है यहाँ पर। ठीक है, कैटेगरी वाइज आपकी ये बता दी गई है, इनको आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट वैकेंसीज है 30/22 पीजीटी कंप्यूटर साइंस फीमेल के लिए,
DOE डिपार्टमेंट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, 4800 का आपका स्केल है, 19 पोस्ट है यहाँ पर और ये कैटेगरी वाइज आपकी यहाँ बता दी गई है, इनको देख लीजिएगा आप। जनरल की भी यहाँ पर 7 है, ये 2 EWS की है, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 31/22 PGT पंजाबी फीमेल के लिए, ग्रुप बी की पोस्ट है, 4800 का आपका ग्रेड पे स्केल है, 2 वैकेंसीज है फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, PGT में थोड़ी वैकेंसीज रिक्रूटमेंट कम ही पोस्ट के लिए आती है, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ एलिजिबल है तो एक भी पोस्ट है तो उसके लिए भी अप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी कैंडिडेट का लास्ट ही चांस यहाँ पर हो, एज लिमिट आप जरूर अपनी ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट देख सकते हैं 32/22 PGT संस्कृत फीमेल के लिए, ग्रुप बी की पोस्ट है, 4800 आपका ग्रेड पे है, 21 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। 33/22 PGT इंग्लिश मेल के लिए, ये आपका DOE है डिपार्टमेंट, ग्रुप बी की पोस्ट है, 4800 का आपका ग्रेड पे स्केल है, ये 13 वैकेंसीज हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वैकेंसीज है 34/22 PGT इंग्लिश फीमेल के लिए, यहाँ पर ये वैकेंसीज है आपकी 14, ठीक है, मेल के लिए है 13 और फीमेल के लिए है 14। कैटेगरी वाइज आप यहाँ देख सकते हैं कितनी कितनी पोस्ट आपकी निकाली गई है। नेक्स्ट वैकेंसीज हैं 35/22 PGT EVGC के लिए, जो आपकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग की होती है मेल्स के लिए, ग्रुप बी की ही पोस्ट है, ये भी 4800 का आपका ग्रेड पे स्केल है और ये आपकी 19 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर EWS के लिए 11 वैकेंसीज हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट देखिए 36/22 PGT EVGC, ये भी आपकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग की फीमेल की पोस्ट है फ्रेंड्स, 4800 का ग्रेड पे स्केल है आपका, ग्रुप बी की ही पोस्ट है, यहाँ पर अच्छी वैकेंसीज हैं, 35 ये पोस्ट यहाँ पर है। कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हैं, जनरल की यहाँ पर 24 वैकेंसीज हैं, EWS की 9 है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं 36/22 तक की ये यहाँ रिक्रूटमेंट जारी की गई है और सीरियल नंबर 24 तक आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसमें बाकी की वैकेंसीज जिस भी डिपार्टमेंट की आएंगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए पहले इसकी डिटेल हम चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए एडवर्टीजमेंट नंबर आपका है 07/22 और ये सारी डिटेल यहाँ दे दी गई है। पोस्ट वाइज आपकी सारी चीज़ें यहाँ बताई जाएंगी फ्रेंड्स। देखिए कितनी आपकी वैकेंसीज हैं, टोटल वैकेंसीज दी गई हैं, आपका पोस्ट का नेम बताया गया है, डिपार्टमेंट आपका क्या है ये बता दिया गया है, पोस्ट कोड आपका क्या है ये बता दिया गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए ये आपकी बता दी गई यहाँ पर, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, या फिर आपने MCOM की हो किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से, बाकी डिजायरेबल में या एसेंशियल में या एक्सपीरियंस वगैरह ये सारा नील है आपका, ये आपका पे स्केल और क्लासिफिकेशन ऑफ द पोस्ट ये सारा बता दिया गया है। एज लिमिट आपकी 35 इयर्स एंड बिलो है, एज रिलैक्सेशन आपको टेबल जो आपकी पैरा नंबर 7 है उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग आप सारी ये डिटेल चेक कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसीज के अकॉर्डिंग ही आपकी एज लिमिट, आपका ग्रेड पे स्केल ये सारी चीजें यहाँ मेंशन कर दी गई हैं, ठीक है। ये एक पोस्ट है देख सकते हैं आप यहाँ पर, राज्य सैनिक बोर्ड की जो डिपार्टमेंट था अकाउंटेंट की पोस्ट है, यहाँ पर फ्रेंड्स एज लिमिट आपकी 52 इयर्स तक की दी गई है। तो अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा, एक्सपीरियंस जहां पर रिक्वायर्ड है वो भी चेक कीजिएगा जिस भी पोस्ट में मांगा गया है। पहले आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सारी डिटेल्स आप वहां से भी PDF से ले सकते हैं। तो पहले आप अच्छे से नोटिफिकेशन को चेक कर लीजिएगा, अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है तो ही आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स बिना क्वालिफिकेशन एंड बिना प्रिपरेशन के किसी भी एग्जाम को देने का टाइम एंड मनी दोनों ही वेस्ट करना होता है। तो हमारा तो सजेशन यही है, पहले आप इसको अच्छे से चेक कीजिएगा, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं यहाँ पर 21/22 ये टीचिंग रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है, TGT स्पेशल एजुकेशन के लिए, और यहाँ टोटल वैकेंसीज आपकी ये बता दी गई हैं 364 हैं। और इसमें देखिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी वो एसेंशियल जो आपको जरूरी चाहिए वो है आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ में आपने BEd की हो जिसमें की स्पेशल एजुकेशन साइड ही आपने ली हो, मतलब BEd आपकी स्पेशल एजुकेशन में ही होनी चाहिए या फिर BEd आपने की हो
विद 2 ईयर्स डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। क्योंकि फ्रेंड्स ये TGT की वैकेंसीज हैं, तो आप यहाँ पर PGT अगर आपने प्रोफेशनल डिप्लोमा किया स्पेशल एजुकेशन में तो वो भी वैलिड होगा आपका, या फिर एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसके अलावा अगर आपका कोई और डिप्लोमा होता है जो कि आपके रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, अप्रूव होता है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए देखिए ग्रेड पे स्केल आपका ये सब बता दिया गया, 4600 का आपका ये ग्रेड पे है। और फ्रेंड्स एज लिमिट आप देख सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 साल से ज्यादा की आपकी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। और जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर पैरा नंबर 7 के अकॉर्डिंग दी जाएगी। कॉन्ट्रेक्चुअल और जो गेस्ट टीचर्स हैं उनके लिए अलग से यहाँ पर दिया गया है जो रिलैक्सेशन है, 120 डेज तक आपका पार्टिकुलर एकेडमिक ईयर जो सर्विसेज हैं आपकी, डिपार्टमेंट का लेटर, सर्कुलर नंबर, तो ये सब दिया गया है फ्रेंड्स, ये देख लीजिएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर 5 ईयर की मैक्सिमम छूट दी जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। जो रिलैक्सेशन रहेगा वो आप चेक कर लीजिएगा, बाकी ये सारी चीज़ें अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप सभी के लिए देखिए बड़ी अच्छी खुशी की खबर है, ये सारी चीज़ें जो क्वालिफिकेशन वगैरह है, किस पोस्ट के लिए क्या चाहिए, इसकी हम डिटेल में भी एक वीडियो बना देंगे। अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो हम आपको सारी चीज़ें एक एक करके एक एक पोस्ट के लिए बता देंगे फ्रेंड्स। और बाकी देखिए यहाँ पर जो ये 32/22 है PGT संस्कृत फीमेल के लिए, यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए इक्विवेलेंट सब्जेक्ट में, यानी संस्कृत से आप अप्लाई कर रहे हैं तो PGT संस्कृत या हिंदी आपने की हो, इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिग्री या डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन, मतलब आपने BEd की हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ डिजायरेबल और एसेंशियल में नील है, एक्सपीरियंस में यहाँ ये डिजायरेबल है, जरूरी नहीं कि आपके पास हो ही, अगर है तो अच्छा, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर का ये एक्सपीरियंस है ऑफ टीचिंग इन ए कॉलेज या हायर सेकेंडरी स्कूल या फिर हाई स्कूल इन द सब्जेक्ट कंसर्न। और एज लिमिट यहाँ पर बिलो 36 ईयर्स बोली गई है, एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एट पैरा नंबर 7। कॉन्ट्रेक्चुअल जो टीचर्स हैं या गेस्ट टीचर्स हैं उनके लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन रहता है, वो आप देख लीजिएगा। PGT इंग्लिश मेल के लिए भी, PGT के लिए फ्रेंड्स जो भी आपकी वैकेंसीज हैं उनमें आपने जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है उसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में, मतलब आपने BEd की हो और MA की हो, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है PGT के लिए। और एज लिमिट देख सकते हैं फ्रेंड्स, PGT इंग्लिश मेल के लिए यहाँ पर ये है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 साल से ज़्यादा आपकी मैक्सिमम एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और जो हमने अभी देखी थी PGT संस्कृत फीमेल के लिए, यहाँ पर जो एज लिमिट थी 36 ईयर से बिलो रहनी चाहिए, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। ओके फ्रेंड्स, तो बाकी की जो क्वालिफिकेशंस है अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग आप इनको एक एक करके चेक कर लीजिएगा। तो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया यही है कि सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए कैंडिडेट, और बाकी जो उसकी टर्म्स हैं एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सब रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एज, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा जो ये है आपके एडवर्टीजमेंट, वो डिटरमाइंड होगा आपका 27 अगस्त 2022, ये आपकी कट ऑफ डेट मानी जाएगी, क्योंकि आपके रिक्रूटमेंट की जो सबमिशन की लास्ट डेट होती है वही कट ऑफ डेट मानी जाती है। तो 27 अगस्त आप लोगों की यहाँ कट ऑफ डेट मानी जाएगी, जो भी आपका एज रिलैक्सेशन है या आपका एक्सपीरियंस है या क्वालिफिकेशन है उसमें 27 अगस्त ही आपकी लास्ट डेट वैलिड रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। कैसे आपको अप्लाई करना है, DeetPlusBOnline.NIC.in, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर OARS पोर्टल पर आपको लॉगिन करना है। अगर आप पहले ही आपने कभी अप्लाई किया है तो आपका लॉगिन पासवर्ड वगैरह से वहाँ लॉगिन हो जाएगा, और अगर आप पहली बार DeetPlusBOnline की वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं तो पोर्टल पर आपको सारी रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप वहाँ अप्लाई कर पाएंगे, वो प्रोसेस भी हम आपको करके दिखाएंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसके लिए, एक एक चीज आपको स्टेप टू स्टेप करके दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ देखिए आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड से सबमिट की जाएगी, 28 जुलाई 2022 से आपका एप्लीकेशन
एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट हो जाएगा 27 अगस्त 2022 रात्रि 11:59 तक आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो लिंक है वो डिसेबल हो जाएगा। देखिए कैंडिडेट को बोला गया है कि जो इंस्ट्रक्शंस है अप्लाई करने से पहले ऑनलाइन वो अच्छे से केयरफुली चेक कर लेनी चाहिए। सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही आपकी एप्लीकेशन स्वीकार की जाएगी और किसी मोड से आप अगर अप्लाई करेंगे तो वो आपकी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। ये आपका टाइम हम आपको बता चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और एप्लीकेशन फी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मोड ऑफ पेमेंट आप 100 रुपए रहेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन फी के लिए। बाकी जो यहाँ वोमेन कैंडिडेट है या बिलोंगिंग शेड्यूल कास्ट जो SC ST है PWD है एक्स सर्विसमैन है ये सारे एग्जेम्प्टेड हैं, इनको कोई एप्लीकेशन फी पे नहीं करनी है। फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फी पे नहीं करनी है। और साथ ही जो ये कैटेगरी वाले यहाँ बताए गए SC ST PWD एक्स सर्विसमैन तो इनके लिए भी फीस माफ की गई है DSSSB के द्वारा। बाकी कैंडिडेट के लिए 100 रुपए एप्लीकेशन फी है। मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन ही रहेगा, आप क्रेडिट कार्ड से नेट बैंकिंग से किसी भी तरह से ऑनलाइन मोड से फी को सबमिट कर सकते हैं। आपकी एग्जामिनेशन की स्कीम भी बता दी गई है, सिलेबस भी आपका दे दिया गया है, इसके ऊपर हम डिटेल से एक वीडियो अलग से बनाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट और नोट है आप ये सारे देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स और DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा ये भी बता दिया गया है, 1 टियर या फिर 2 टियर एग्जाम आपके कंडक्ट किए जाएंगे। जहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट एप्लीकेबल होगा वहाँ ड्राइविंग टेस्ट आपका होगा, जहाँ फिजिकल एंड्योरेंस चाहिएगी वहाँ फिजिकल होगा, और बाकी ऑनलाइन टेस्ट ही आपके कंडक्ट किए जाएंगे। स्किल टेस्ट वगैरह है तो वो भी रहेगा। और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल और EWS के लिए 40% आपके क्वालिफाइंग मार्क्स जरूरी होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, और OBC के लिए सिर्फ OBC दिल्ली यहाँ वैलिड होता है उसके लिए 35% क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। बाकी कट ऑफ पर डिपेंड होता है, सिलेक्शन तो आपका मेरिट लिस्ट के बेस पर ही होता है, ये आपकी सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है। मतलब जो दो पार्ट्स में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है Part 1 और Part 2 दोनों में ही आपको अलग अलग क्वालिफाई करना होता है फ्रेंड्स। कुल मिलाकर आपके कैटेगरी वाइज इतनी परसेंट मार्क्स होने चाहिए। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेन सारी चीजें हम आप लोगों को बता चुके हैं। रिजर्वेशन के बेनिफिट आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ बता दिया गया है। और जो ओबीसी का है फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, ओनली ओबीसी दिल्ली कैंडिडेट नोटिफाइड, सिर्फ जो ओबीसी दिल्ली वाले कैंडिडेट है वो ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए जो ओबीसी के लिए है यहाँ पर 2 टाइप के सर्टिफिकेट बोला गया है एक्सेप्ट किए जाएंगे, वैलिड रहेंगे फॉर ग्रांट ऑफ बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी। पहला जो सर्टिफिकेट बताएगा ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली का होना चाहिए, इश्यूड बाय द रिवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ GNCT ऑफ दिल्ली। मतलब रिवेन्यू डिपार्टमेंट दिल्ली के द्वारा आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट इश्यू किया होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ ए ओल्ड सर्टिफिकेट इश्यूड टू एनी मेंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फैमिली फ्रॉम GNCT ऑफ दिल्ली, जो कि आपके किसी भी फैमिली मेंबर के पुराने सर्टिफिकेट के बेस पर इश्यू होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये दूसरे वाला जो सर्टिफिकेट है आपका ओबीसी का, इसमें आपका 1993 का प्रूफ मांगा जाता है। तो आप देख लीजिएगा आपके पास इनमें से कोई सा भी ओबीसी सर्टिफिकेट हो तो ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पर बता दिया गया है, SC ST के लिए 5 ईयर्स का है, OBC के लिए 3 ईयर्स का है, PWD के लिए 10 ईयर्स का है, PWD प्लस SC ST के लिए 15 ईयर का है, PWD प्लस OBC है तो 13 ईयर्स का है। और फ्रेंड्स ये यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट अगर आप हैं तो उसके लिए ये बताया गया है 5 ईयर तक का है ग्रुप बी की पोस्ट के लिए, ठीक है। ये आपकी डेट बता दी गई है वो आप देख लीजिएगा। ग्रुप सी की अगर पोस्ट है तो उसके लिए 40 ईयर्स तक का है। इसके बाद मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है तो ग्रुप सी की पोस्ट के लिए इनको अप टू 5 ईयर्स और 10 ईयर्स हैं SC ST के लिए और 8 ईयर्स है OBC कैंडिडेट के लिए। और एक्स सर्विसमैन ग्रुप बी एंड सी नॉन गजेटेड के लिए ये है फ्रेंड्स। डिसेबल्ड डिफेंस सर्विस पर्सनल ग्रुप सी के लिए 45 ईयर्स की यहाँ एज लिमिट है, 50 साल की एज रिलैक्सेशन रहेगी SC ST के लिए। जो भी विडोज है या डाइवोर्स्ड वोमेन है या वोमेन है जुडिशली सेपरेटेड या
फिर ऐसी वुमेन जो जुडिशली सेपरेटेड रहती हैं, अलग रहती हैं एंड हु आर नॉट रीमैरिड और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, तो ग्रुप सी की पोस्ट के लिए तो उनको अप टू द एज ऑफ 35 ईयर तक का यहाँ रिलैक्सेशन रहेगा और 40 ईयर तक का एस सी एस टी के लिए एंड 38 यहाँ एज रिलैक्सेशन रहेगा ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ये एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया यहाँ बता दिया गया है, बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ये सब आप देख लीजिएगा। अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज हैं, कोई डाउट है तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप सभी गिवन टाइम पीरियड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। आप सभी को गुड लक एंड बेस्ट विशेज, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू।